मोगा शहर का कूड़ा करकट चुक के अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब मापिया ने एक कदे सुपने च भी नहीं सोचा होना कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई चंगे स्कूलों के दाखला करवा के करवा सकणगे। पर उन्होंने की पता सी कि उन्होंने बच्चे इंजीनियर बनणगे ते कॉन्वेंट स्कूलों के पढ़ाई करणगे। जी हाँ, ये करिश्मा 17 साल पहला एडवोकेट चंद्रपान खेड़ा ने करके दिखाया, जिन्हां बच्चों पढ़ाने के लिए लखां रुपए खर्च के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिया ते बच्चों पढ़ाना शुरू कर दिता। आज तो 17 साल हो गए स्कूल खुले नूं, 10-12 साल तो हो गए मैनू भी इत्थे काम करदी नूं, मतलब बहुत वधिया स्कूल चल रहा। तो ये बच्चे सारे झुग्गियां वाले ही पढ़ रहे, इत्थे दूसरे नहीं हैगे। असीं इन्हां दी मतलब कि सेवा ही कर रहे हैं, एक तरह की सेवा दे विच ही असीं मतलब कि डोनेशन जिहड़े दिंदे सी। पहला खेड़ा अंकल कर रहे सीगे, हुण उन्हां दी डैथ हो गई है ते हुण कोई होर मतलब सोसाइटी बन रही है। कुछ पता कि खेड़ा साहब ने स्कूल क्यों शुरू किया सी? उन्हां दे बेटे दी डैथ हो गई सी एक्सीडेंट नाल, इस करके ओहदे विच उन्हां दी याद दे विच उन्हां ने स्कूल खोलिया सीगा। इह झुग्गियां झोपड़ियां इहदे स्लम बस्ती एरिया च क्यों? हांजी, इह मतलब कि उन्हां ने मतलब सपना सीगा कि मैं जिस तरह मेरा बेटा विद्या पढ़ के गया है, मैं इन्हां बच्चों नूं पढ़ावां ते पढ़ा के इन्हां बच्चों नूं बहुत वधिया स्कूलां च लावां। असीं स्कूलां च लाए भी वधिया स्कूलां, कैमरा स्कूल च पढ़ रहे साडे बच्चे, किचलू स्कूल च पढ़ रहे है, आर के एस स्कूल च पढ़ रहे है, आरिया स्कूल च पढ़ रहे है, एस डी स्कूल च, मतलब जिस तरह का बच्चों का बेस बनता असीं उस तरह के स्कूल दे विच बच्चों नूं लाने। बेस इत्थों तैयार करदे हो? बेस असीं इत्थों तैयार करदे। किन्ने बच्चे पढ़दे झुग्गी झोपड़ियां वाले? इत्थे हुण साडे कोल घट तों घट पढ़ चुके जिहड़े साडे कोल 400 बच्चा पढ़ चुक्या, ते हुण साडे कोल 125 दे करीब हुण पढ़ रहे बच्चे। किहड़ी क्लास तक पढ़ांदे हो? थर्ड क्लास तक पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश वगैरह सारा कुछ पढ़ा? हाँ जी, इंग्लिश सारा मीडियम इंग्लिश है। BSc बच्चे कर रहे हैं जिहड़े, वह भी हुण साडे स्कूल च पढ़ के गए। तो कई बच्चे हुण असीं जिवें कैमरा च लाए, हुण प्लस टू च बच्चे पढ़ रहे, वह भी साडे स्कूल च पढ़ के गए। जिहड़े बच्चे इत्थे पढ़दे आ सारे झुग्गियां वाले? हाँ जी, इह झुग्गियां वाले ही है सारे। असीं सलम एरिए च इसे करके स्कूल खोलिया कि इन्हां बच्चों नूं कुछ नहीं पता सीगा, असीं तां किताबां ही इन्हां दे हाथ च पढ़ाईआं सीगीआं। जिस तरह मैं खेड़ा अंकल जी दे नाल जांदी रही झुग्गियां दे विच, असीं मतलब कि इन्हां नाल करदे रहे हां कि किस तरह बच्चों के अंदर उन्हां दे झुग्गियां दे अंदर जा के बच्चों नूं असीं खिच के लियाना। मैं खेड़ा दे अंकल जी दा बहुत मतलब, उन्होंने जिन्नी मेहनत की है ना, उन्होंने सारी जिंदगी ऐ निकल गई है सेवा दे विच। दस दिए कि गरीब परिवारों के बच्चों लिए विद्यादाता बन के बौड़े एडवोकेट चंद्रपान खेड़ा इन्हां बच्चों के विच अपने बच्चों देखते हैं। दरअसल एडवोकेट खेड़ा ने नौजवान पुत्र की सड़क हादसे के विच मौत हो गई सी। एडवोकेट खेड़ा ने उस दिन तो इस सदमे नूं भुलाउण दे लई झुग्गियां च रहण वाले बच्चों नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिता अते उन्हां नूं रोज़ मैमोरियल चाइल्ड केयर स्कूल दे विच पढ़ाउणा भी शुरू किया। आया जो अंकल जी आए, अंकल जी स्कूल बनाए, अंकल जी सारा कुछ किए, पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब वर्दी सारा अंकल जी देते थे। हमारे तो इस मोगा में सबसे नेड़े यही स्कूल है, मेरे 3 देवर पढ़ चुके हैं स्कूल में, बड़े स्कूल गए थे, 11वीं तक पढ़े थे, उसके बाद नहीं पढ़े। बहुत ही अच्छा लगता है, स्कूल बहुत पास है, झुग्गी के जितने बच्चे हैं सब यही स्कूल में पढ़ते हैं। हालांकि विदरिंग रोज़ मेमोरियल चाइल्ड केयर स्कूल दी सिर्फ 3 जमात तक ही पढ़ाई करवाई जाती है, वह भी बिना पैसे ले। इस स्कूल दे विच हुण तक सैकड़े बच्चे पढ़ के चंगियां पोजीशनां प्राप्त कर चुके ने। साढ़े मन च नहीं आए, बहुत साल पहलां दी गल है, जदों मेरे डैडी नूं पढ़ाउण दा बहुत शौक सी, पर डैडी कोल इन्ने पैसे है नहीं सी कि वह पढ़ा सकन। तो उदों अंकल जी एक ख्वाब बन के साढ़े कोल आए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे बच्चों नूं अगे पढ़ाऊँगा, अगे लै के जाऊँगा। तो उन्होंने ही अज सानू सारे बच्चे ने जिन्ने भी इतने झुग्गी रह रहे हैं बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं, इतों पढ़ा के फिर वड्डे स्कूले लैके जाते हैं, मैनर सिखाते हैं, वह हर एक चीज़ सानू दिंदे, यूनिफॉर्म तो लैके किताबा तक हर एक चीज़ उही दिंदे ने। जो ना होंदे फिर असीं इन्ना पढ़ना। कौन आ फरिश्ते जिन्होंने तुहानू इत्थे तक पहुँचाया? खेड़ा अंकल ने, इन्हां पूरा नाम चंद्रपान खेड़ा ने, तो यही ने जदों शुरुआत आए सी साडे डैडी कोल आए सी, तो इन्होंने कहा कि मैं सारे बच्चों इतों पढ़ा के अगे लैके जाऊँगा, मैं इंजीनियर बनना चाहुंदा जी। स्कूल अज भी 150 के करीब बच्चों नूं पढ़ा रहा है, जिन्हां विच कोई भी सरकारी मदद इस स्कूल नूं नहीं दित्ती जांदी। बच्चों नूं पढ़ा रहे अध्यापकों नूं गुजारा भत्ता भी लोगों के चंदे तो आए पैसों विचों ही दिता जाता है।
अध्यापक थोड़ी जही सैलरी ते खुशी खुशी बच्चों नू अव्वल दर्जे की सिक्ख्या दे रहे ने। 3 महीने पहला इन्ह बच्चों नू उदों वड्डा सदमा लगा जदों एडवोकेट चंद्रपान खेड़ा का देहांत होने की खबर स्कूल पहुंची, जिस तों बाद इस स्कूल दे विच बेस बनाउण वाले विद्यार्थी जिहड़े डॉक्टर ते इंजीनियर बनना चाहुंदे ने उन्हां सरकार अगे ये सवाल खड़ा कर दिता है कि पंजाब दी भगवंत मान सरकार सिक्ख्या दे विच सुधार करन दे वादे मुताबक विदरिंग रोज़ मेमोरियल चाइल्ड केयर स्कूल दे विच पढ़न वाले बच्चों की मदद दे लई अगे आवेगी। असीं कहिंदे आं वी सरकार कोई सानूं मदद देवे जिहदे नाल बच्चों का भविख होर उज्जवल होवे। मोगा तों सौरव अरोड़ा की रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।